कहानियों का एक अलग ही नाता है। ये कहानियां ही तो हैं जो जिंदगी की छोटी सी पर ही सहज और सरल तरीके से दे जाती है और इसी सीख पर निर्भर करता है बच्चों का व्यक्तित्व। ये इन कहानियों का जादू ही है जो बच्चों को जीवन पर भूलने नहीं देगा कि जिंदगी में नैतिक मूल्यों का होना कितना जरूरी है। दोस्तों, आज हम एक नई कहानी सुनते हैं। दो सिर वाला हंस की कहानी। एक समय की बात है, भोजपुर नामक एक जंगल में एक हंस रहा करता था जिसके दो सिर थे। एक दिन वह घूमते घूमते एक पोखर के किनारे पहुंच जाता है। पोखर के पास उसे एक फल दिखाई देता है। एक हंस ने फल को देख उसे चखते हुए आधा खा लेता है। वही दूसरा हंस कहता है, अरे भाई मुझे भी तो फल खाने दो। तो उसने कहा कि तुम क्या करोगे खाकर, मैं खा लिया ना पेट के अंदर चला गया तो है तुम्हें भी आनंद मिल ही जाएगा। जिसके बाद उसने आधे फल को अपने एक खास परिचित को दे देता है। दूसरा हंस मन में सोचने लगता है कि मैं इस अपमान का बदला जरूर लूंगा और उसके बाद उसे एक दिन मौका मिल ही जाता है। कुछ दूर जाने के बाद नजदीक में उसे एक विषैला फल दिखाई देता है। दूसरे सिर वाले हंस फल को देखकर कहता है कि मैं इस फल को खा लेता हूँ। पहला सिर वाले हंस उसे बोलता है कि मूर्ख, इस विषैले फल को खाओगे तो हम दोनों मर जाएंगे। उसकी एक ना सुनकर दूसरे सिर वाले हंस ने उस फल को खा जाता है। कुछ ही देर बाद दोनों हंस एक एक कर मर जाते हैं, क्योंकि हंस के सिर दो थे पर पेट एक ही था। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी कभी जीवन में ऐसा मोड़ आता है जहां अकेले निर्णय लेना सही नहीं होता है, सूझबूझ से काम लेना होता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।